स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमें बताएंगे, जैसे कि मैं बताया था सीपीयू मशीन के बारे में। सीपीयू मशीन जो है वो घुटना मोड़ने के लिए है, और अगर आपका जैसे स्टीफ हो गया है, पिछले वीडियो में मैंने बताया हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे ये इसके बारे में, जो कि इन्फेक्शन जो हुआ था यहाँ पे, और कैसे सर्जरी करके इन्फेक्शन निकाला गया है। और यहाँ पे भी तो ये देखिए, आपको दिख ही रहा है कितना बड़ा, कितनी बार डिब्रामेंट सर्जरी हुआ है, बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी हुआ है, ये लगाया है नीचे यूजुअल था। तो बस उसके बारे में थोड़ा सा, इन्फेक्शन जैसे कि हो जाता है, तो जैसे मुझे हुआ था, तो यहाँ पे भी हुआ था, और यहाँ पे भी फीमर में भी हुआ था, और टीबिया में भी, और तबिया में, और यहाँ पे। दोस्तों अगर इन्फेक्शन अगर जैसे हो जाता है, तो ये बहुत ही मतलब बोलते हैं डिफ़िकल्ट है इसका ट्रीटमेंट। अगर ज़्यादा हो जाता है इन्फेक्शन, मवाद जो बोलते हैं, पानी आता है पैर में से, देखिए कैसे पानी आ रहा है, निकल रहा है। ये एक्चुअली अभी तो निकाल दिए है ऑलमोस्ट, ये पूरा जो तकिया होता है उसके नीचे एक्चुअली एक और तकिया ऊपर भीग जाता है, फेंकना पड़ जाता है, मतलब इतना भीग जाता है रात भर में। जिसको हुआ रहेगा उसको पता है, जैसे अगर पैंट भी जैसे कोई पहनता है कपड़ा भी है, तो वो भीग जाता है। इतना इन्फेक्शन अगर किसी को ज़्यादा होता है, तो वैसा मतलब भीग जाता है, और वो अंदर से हड्डी को जो है मजबूत होने से रोकता है, और जल्दी ठीक नहीं होने देता इन्फेक्शन। तो ये देखिए कैसे मैं जैसे इन्फेक्शन निकालने के लिए आते थे, इन्फेक्शन निकाला जा रहा है, और ये रोज़ एक दिन गैप छोड़ के जैसे निकाला जाता था, जैसे ही निकाल के जाते थे फिर हो जाता था, बहुत पेन होता था, रेडिश हो जाता था पैर पूरा, और बहुत दर्द देता था, बहुत दर्द देता था। इन्फेक्शन होने के जब स्टार्ट होता है तो पैर बहुत दर्द देता है वहाँ पे, और उसके बाद में वहाँ पे सूजन आ जाती है, लाल रेड हो जाता है, और बहुत जैसे कि बहुत बार इन्फेक्शन जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, फिर भी अगर नहीं इन्फेक्शन जाता है, तो उसके लिए फिर लास्ट में मैंने जैसे कि सर्जरी कराई थी। और ये इन्फेक्शन निकालने के टाइम पे भी हमें बहुत ही प्रिकॉशन लेना होता है। ये देखिए कैसा, फीमर में भी इन्फेक्शन हो गया था, तो सर्जरी के बाद में भी इन्फेक्शन हो गया। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप डिब्रामेंट सर्जरी करोगे तो निकल जाता है, थोड़ा इन्फेक्शन अगर ज़्यादा होता है तो बहुत ही इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, ये एक्चुअली डॉक्टर लोगों के लिए भी टास्क हो जाता है, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है इसे निकालना। बहुत पेशेंट मैंने भी देखे हुए हैं, और इसमें मैं भी था, जैसे कि मेरा टीबिया फेबला और फीमर और नी में दोनों में, तीनों में जगह पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो ये हड्डी को मजबूत होने नहीं देता है, और एंटीबायोटिक जैसे कि मेरी चालू है, आप देख सकते हो हाथ में भी लगाया हुआ, ऊपर से डिब्रामेंट सर्जरी हो गई थी, तो ये मतलब ओरल एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, कैप्सूल्स होते हैं, दवाइयाँ होते हैं, वो भी चालू है, हाथ से भी सलाइन चालू है, और डिब्रामेंट सर्जरी हो गई थी तो भी इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कम होता है। तो ये ऐसे निकाला जाता था, इन्फेक्शन कैसे निकाल जाए, ये आते थे, इन्होंने भी पूरा प्रिकॉशन लिया हुआ है, ग्लोव्स पहना हुआ है, स्टेरलाइज गॉस है, और ये आधा आधा घंटा निकालते थे इसमें से इन्फेक्शन। बहुत पानी निकलता था, बहुत पानी निकलता था, और इन्फेक्शन अगर हो गया है तो प्लेट आपकी जो होती है वो कमज़ोर हो जाएगी, मतलब बोन जो होता है उसका कमज़ोर होना बढ़ जाता है, और फिर वो जो प्लेट होती है वो टूट जाती है, या तो फिर निकल जाती है, स्क्रू निकल जाते हैं, जो कि मेरा हुआ था। तो फिर अगर इन्फेक्शन जैसे कि हो जाता है, डिब्रामेंट सर्जरी हो जाती है, उसके बाद में आपका प्लेट रिमूव हो जाता है या टूट जाता है, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वीक हो जाती है बोन इसकी वजह से। और ये देखिए घुटनों में से भी निकाला जा रहा है, और नीचे टिबिया फेलों में तो आपने देखा ही है। तो ये पूरे पैर मेरा पूरा इन्फेक्शन हो गया था, और उसके बाद में इसका ऑप्शन होता है, जैसे कि आप लोग पता ही है, लेजर मुझे नीचे भी लगा था टिबिया फेलों में, तो और ऊपर लगा हुआ है एक्सटर्नल फिक्सेटर LRS जो बोलते हैं, और मेरा सर्जरी होने के बाद में फिक्सेटर लगाया गया था और एलेजवर, और उसके बाद में बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई थी। उस टाइम पे नहीं करते, क्योंकि जब सर्जरी होती है तो उसमें एंटीबायोटिक बहुत डाली जाती है,
तो इसके लिए बोन ग्राफ्टिंग सजेस्ट डॉक्टर ने किए थे। अगर बोन नहीं जुड़ी तो बोन ग्राफ्टिंग, तो बोन नहीं जुड़ी थी मेरी तो बोन ग्राफ्टिंग भी करना पड़ा। तो ये ऐसा इन्फेक्शन है, अभी जो है मेरा इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है। और जैसे आपने देखा मेरा एलेजर जो है वो निकल चुका है नीचे वाला, और अभी फीमर का बाकी है, वो बस कुछ दिनों में निकल जाएगा। और इन्फेक्शन हो जाता है तब हम लोग अंदर से मेंटली और फिजिकली बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसकी इसका मतलब इलाज है। आप जैसे कि मुझे बहुत लोग साल साल भर इन्फेक्शन लेके रह रहे हैं, तो आपको Bye.